Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वयं आज कंपनी विधि का व्याख्यान है जिसमें प्रबंध एवं प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे मैं डॉक्टर कुर्मी सहायक प्राध्यापक विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले व्याख्यान में हमने जो शेयर हैं डिबेंचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था उनका क्या अर्थ होता है क्या मीनिंग है क्या उनकी विशेषताएं हैं क्या अंतर है डिबेंचर्स क्या होते हैं उनके क्या प्रकार होते हैं कैसे इशू किए जाते हैं क्या प्रोसीजर होती है तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो डिस्कस करे थे और शेयर क्या होते हैं क्या उनके प्रकार हैं कैसे इशू किए जाते हैं और क्या उनमें अंतर है तो ये जो है कैसे सरेंडर होते हैं तो ये जो है प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था अब आज जो है कंपनी का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कंपनी जो है वो कैसे मैनेज की जाती है किन के द्वारा मैनेज की जाती है तो इस विषय पर आज डिस्कस करेंगे जिसमें जो है वो निम्नलिखित विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि उनका परिचय क्या है डायरेक्टर्स कौन होते हैं उनके मीनिंग डेफिनीशन्स क्या हैं संचालकों की योग्यताएं क्या हैं क्या क्वालिफिकेशंस हैं उनकी उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है वो अपने पद से परित्याग कैसे देते हैं रिक्त कब माना जाएगा उनका पद संचालकों की वैधानिक स्थिति क्या है संचालकों के अधिकार क्या हैं और उनके वैधानिक कर्तव्य क्या हैं तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो है वो परिचय के बारे में डिस्कस करते हैं कंपनी जो है वो अमूर्त होती है या उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता और कंपनी जो है वो नेचुअल व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती है तो जो नेचुअल व्यक्ति उनको चलाते हैं उसमें वो कोई भी हो सकते हैं उनके संचालक हो सकते हैं मीन्स डायरेक्टर हो सकते हैं उनके मैनेजिंग एजेंट हो सकते हैं प्रबंध संचालक हो सकते हैं प्रबंधक हो सकते हैं सचिव हो सकते हैं विधि सलाहकार हो सकते हैं सचिव हो सकते हैं कोषाध्यक्ष हो सकते हैं तो इतने सारे इत्यादि पर्सन जो है वो कंपनी को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अब कंपनियों का उचित प्रबंध लोकहित का विषय है क्योंकि इनके कुशल कार्य संचालन में एक और तो शेयरधारकों की हैसियत है से और एक कर्मचारी अथवा लेनदार की हैसियत है से असंख्य व्यक्तियों के हित निहित होते हैं तो ये जो है ये बहुत ही पब्लिक हित का मुद्दा है कि कोई कंपनी इस्टैब्लिस हुई है तो वो कैसे जो है वो मैनेज की जाएगी कैसे कंट्रोल की जाएगी तो उसके बारे में इसमें डिस्कस किया और संभवतः यह निर्णय किया गया कि कंपनी का प्रबंध एवं संचालन अंशधारियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है मींस के जो शेयर होल्डर्स से हैं उन्होंने अपने जो प्रतिनिधि चुने हैं अब वो चाहे डायरेक्टर्स के रूप में हो मैनेजिंग डायरेक्टर्स के रूप में हो कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रूप में हो किसी अन्य रूप में हो तो वो उनके द्वारा उसका संचालन किया जाता है अब उसके लिए जो है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी का संचालन करता है पूरा मैनेज करता है उसकी प्लानिंग बनाता है योजना बनाता है और ये उनसे रिलेटेड सारे कार्य जो है वो करते हैं यह मंडल की प्रबंध संचालक मंडल मैनेजर सचिव की नियुक्ति जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है अतः कंपनी के प्रबंध संचालन में जो व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लें तो वो प्रबंधकारी कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं या मैनेजर्स डायरेक्टर्स ये सारे जो है इसके संचालक के उसमें आते हैं तो ये कि इंट्रोडक्शन है अब जो है मेन रूप से जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टर कौन होते हैं क्या मीनिंग है उनका क्या राइट्स हैं क्या ड्यूटीज हैं क्या उनकी लाइबिलिटीज़ हैं तो इनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो है वो डायरेक्टर्स का या संचालक का जो है अर्थ एवं परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी केवल राज्य नियम के, के अधीन निर्मित एक व्यक्ति है क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो एक स्टैचू के द्वारा निर्मित एक पर्सन है या एंटिटी है उसका कोई ऐसा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता ये आर्टिफिशियल पर्सनालिटी होती है जिसको जो है लॉ बनाती है और लॉ ही समाप्त करती है अब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता तो कंपनी कैसे चलेगी तो वहाँ पे जो है उनके लिए कुछ पर्सन जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं जिसको जो है वो डायरेक्टर बोलते हैं इसीलिए हम अपने कार्यों को अपने एजेंटों अथवा अपने द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा ही निष्पादित कर सकती है मीन्स जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट्स करे हैं उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं और जिन व्यक्तियों के द्वारा वह अपने कार्यों का निष्पादन करती है उन्हें संचालक बोलते हैं कि जहाँ पे सारे काम कंपनी के उन डायरेक्टर्स के द्वारा किए जाएं तो वो संचालक होंगे अब संचालक शब्द की परिभाषा कंपनी अधिनियम में दी हुई है और संचालक एक ऐसा व्यक्ति है जो संचालक की तरह कार्य कर रहा हो चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाए मतलब ऐसा व्यक्ति डायरेक्टर होगा चाहे वो कोई से भी नाम से पुकारा जाए जो कंपनी का संचालन करता हो मीन्स कंपनी का मैनेजमेंट करता हो कंपनी को कंट्रोल करता हो तो वो मैनेजर होंगे और इसका आशय यह है कि संचालक होने के लिए उसके कार्यों का महत्व का नाम नहीं है और वास्तव में संचालक वे व्यक्ति हैं जो कि कंपनी के व्यापार का संचालन एवं प्रबंध के लिए अंशदारियों में से ही चुने जाते हैं मीन्स कि ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का संचालन एवं प्रबंध करे वो संचालक होंगे ये इसका अर्थ और परिभाषा बताइए अब संचालकों की संख्या क्या होनी चाहिए नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स कितने हों अब कंपनी अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी में यदि कोई पब्लिक कंपनी है तो उसमें जो है न्यूनतम जो है वो तीन डायरेक्टर्स जो है वो होने चाहिए और कंपनी अधिनियम के अनुसार सभी कंपनियों में संचालकों की न्यूनतम संख्या दो होगी होनी चाहिए मीन्स कोई प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम जो है वो डायरेक्टर्स दो हो सकते हैं अब संचालकों की अधिकतम संख्या अंतर नियमों में उल्लिखित होती है कि जो उनके अंतर नियम हैं या आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन्स है उनमें नंबर कितने मैक्सिमम नंबर होंगे कितने मिनिमम नंबर होंगे तो ये जो है उसमें मेंशन है कंपनी अधिनियम के अनुसार जो है उन्होंने वो पब्लिक कंपनी है उसमें तीन डायरेक्टर्स और जो प्राइवेट कंपनी उसमें दो डायरेक्टर जो है वो मिनिमम होंगे इसके बाद जो है कंपनी अपनी साधारण सभा से साधारण प्रस्ताव द्वारा अंतर नियमों में निर्धारित सीमा के अंदर अपने संचालकों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकती है मीस यदि उसको कमी या वृद्धि करनी है या नए डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करना होगा तभी जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है नेक्स्ट बताया कि डायरेक्टर्स कौन हो सकते हैं या संचालक कौन हो सकते हैं तो इसके लिए उन्होंने बोला कि केवल नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर हो सकते हैं अन्यथा कोई अन्य नहीं क्योंकि कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ के द्वारा बनाई गई है तो उसमें केवल नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर होंगे कोई फर्म या कोई अदर जो है वो इंस्टीट्यूशन ये या डायरेक्टर्स नहीं होते केवल नेचुरल पर्सन जो हैं वो भी डायरेक्टर होंगे अब किसी भी समावेलन संस्था संगठन या फर्म को कंपनी का संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता और केवल व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है मीन्स ओनली केवल नेचुरल पर्सन जो हैं वो संचालक के लिए अपॉइंट होने के लिए उपयुक्त हैं इस तरह के कार्यालयों के कार्यों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो जिम्मेवार व्यक्ति होना चाहिए जिसे इस बात की जा सके और वो उसकी सारी जिम्मेदारी ले यदि संचालक कोई समाज संस्था संगठन या फर्म है तो किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जा सकती इसीलिए जो है कंपनी के लिए केवल नेचुरल व्यक्ति या नेचुरल पर्सन जो है वो अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल हैं अब यहाँ पे जो है उपयोग प्रावधान का पालन करना संभव हो जाता है जब पहला कंपनी के अंतरणियों में यह व्यवस्था ना हो कि संचालक बनने के लिए अंश क्वालिफाई शेयर की आवश्यकता नहीं है ताकि बाहरी लोगों को संचालक नियुक्त किया जा सके तो वहाँ पर जो क्वालिफाई शेयर हैं उसको वो लिबरल कर सकते हैं दूसरा समावेलन संस्थाएं अपने नामांकित व्यक्ति नियुक्त नहीं कर सकती कि जो समेलित संस्थाएं हैं वो अपने नॉमिनेटेड व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती आप कि निदेशक के प्रकार कौन कौन से होते हैं या काइंड्स ऑफ निदेशक क्या है, डायरेक्टर्स क्या है। तो सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो आवासीय निर्देशक के रूप में बताया गया है कि अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी को एक निर्देशक नियुक्त करना होगा जो भारत में रह रहा हो और पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक दिन तक यहाँ रहा हो ऐसा निर्देशक आवासीय निर्देशक होगा कि कम से कम जो है एक निर्देशक जो है वो यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए ये उसको आवासीय निर्देशक बोलते हैं दूसरा बोल रहे स्वतंत्र निदेशक या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स स्वतंत्र निदेशक किसी कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक होते हैं मीन्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और कंपनी को कॉपरेट की बिजनेसना में सुधार और शासन मानकों को बढ़ाने में मदद करते हैं इस तरह से जो है दूसरे शब्दों में कहें कि स्वतंत्र निर्देशक एक गैर एग्जीक्यूटिव निर्देशक होते हैं जिसका किसी कंपनी में कोई संबंध नहीं होता मीन्स ये नॉन एग्जीक्यूटिव निर्देशक होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं जिसका कंपनी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट निर्देशक जो है वो अपॉइंट करना कंपनी के लिए जरूरी होता है तीसरा महिला निदेशक कि एक कंपनी चाहे वह निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो कम से कम जो है एक महिला निदेशक जो है वो नियुक्त करना आवश्यक है तो वो महिला निदेशक है नेक्स्ट जो है छोटे शेयर धारक दार, निर्देशक छोटे निर्देशक छोटे शेयर धारक निर्देशक वह निर्देशक होते हैं कि जिसमें न्यूनतम एक हजार छोटे शेयर धारकों या छोटे शेयर धारकों की कुल संख्या का दस प्रतिशत उन्होंने ले रखा हो तो वो छोटे निर्देशक या छोटे शेयर धारक निदेशक होंगे मीन्स स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स नेक्स्ट जो है वो वैकल्पिक निदेशक वैकल्पिक से निदेशक तात्पर्य ऐसे निदेशक से है जिन्होंने बोर्ड द्वारा नियुक्त कमियों में से तीन महीने से अधिक समय तक से अनुपस्थित रह सकते हैं मीन्स उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो जो कंपनी की मीटिंग है उनमें वो अनुपस्थित रह सकते हैं या लिबर्टी इसीलिए उनको जो है वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स कहा जाता है नेक्स्ट है नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के द्वारा जो है या विशिष्ट वर्ग या बैंकों या ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं उनके या सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं तो वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर होंगे कि जहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन ने या केंद्र सरकार या को, ने या कोई प्रबंधन ने उनको अपॉइंट किया है या नॉमिनेट किया है तो वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर होंगे इसके बाद आता है कार्यकारी निदेशक या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यह एक कार्यकारी निदेशक कंपनी का पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक होता है मीन्स ये फुल टाइम डायरेक्टर्स होता है जो कंपनी के पूरे मैनेजमेंट और उनके मामलों को देखने के लिए दायी है नेक्स्ट जो है प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनका हेड होता है और ये पूरा कंपनी को मैनेज करने का या उनके लेखा जोखा या कंपनी के साथ समझौते कंपनी की आम बैठक उनको प्रिसाइड करता है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं नेक्स्ट है संचालकों की नियुक्तियाँ अब इसमें डिस्कस किया है कि संचालकों की या डायरेक्टर्स की नियुक्ति कैसे की जाएगी तो कंपनी अधिनियम में संचालक के लिए कोई शैक्षणिक या अंशों के धारण संबंधी कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है ऐसा भ्रम प्रचलित है कि कंपनी अंशधारी होना ही चाहिए जबकि अधिनियम में बताया गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो डायरेक्टर्स के लिए लेना चाहिए तभी जो है वो उसका डायरेक्टर हो सकता है ठीक है तो इसके लिए जो है कुछ योग्यताएं जो है वो बताएंगे कि उनको एक योग्यता सीएस जो है वो लेना होगा तभी जो है वो उसका डायरेक्टर हो सकता है पहली जो क्वालिफिकेशन उसमें है कि संचालकों को अपनी नियुक्ति के दो महीने के अंदर अपनी योग्यता अंश लेना आवश्यक है मीन्स कि क्वालिफाइड शेयर्स या अंश जो है वो उसको लेना आवश्यक होगा यदि वो अंश नहीं लेता है तो उसका डायरेक्टर नहीं हो सकता कि उन्हें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सब कंपनी की अलग अलग होती है उन्होंने अपनी डिसाइड कर ली उसके बेसिस पे उनकी मिनिमम योग्यता के बेसिस पे उसकी डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट की जाते हैं यदि वो एक मिनिमम जैसे उन्होंने बोला कि बीस हंड्रेड शेयर्स या थाउजेंड शेयर्स लग उन्होंने खरीदे तो वो उसका डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करने के लिए एलिजिबल है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है उसको फुलफिल करनी पड़ेगी दूसरा यदि अंतर नियम में नियुक्ति से पहले या बाद दो महीने से कम समय में योग्यता अंश लेने की व्यवस्था है तो ऐसी व्यवस्था व्यर्थ होगी मतलब दो महीने के बाद जो है वो ऐसा कोई यदि शेयर्स खरीदता है या लेता है तो वो जो है वो एलिजिबल नहीं होगा तीसरा योग्यता अंशों का अंतिम मूल्य पाँच हज़ार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है तो जो उनका जो योग्यता मूल है वो पाँच हजार रुपये के अंशों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अंश अधिपत्य योग्यता अंश नहीं माने जाएंगे ठीक है जो अंश योग्यता अधिपत्य दिया गया है तो वो उसमें नहीं माने जाएंगे और पाँचवा यदि संचालक अपनी नियुक्ति के दो माह के अंतर योग्यता अंश लेने में असमर्थ होता है तो उनका पद अपने आप ही रिक्त माना जाएगा मीन्स उनने जो योग्यता अंश निर्धारित करे हैं कंपनी ने यदि वो नहीं ले पाता है तो वो उसका डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट नहीं हो गया उसका ऑफिस है वो वैकेंट माना जाएगा नेक्स्ट है योगदान्स है 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 क्वालिफिकेशन सीएस क्या उसके बारे में डिस्कस करा है। इसके बाद जो है, संचालक अपने योगदान को कंपनी में हित रखने वालों से भेंट स्वरूप स्वीकार नहीं करता है उसे अपने योगदानसों के लिए भुगतान करना आवश्यक है और सातवां यदि अंतरियमों द्वारा अधिकृत हो तो संचालक अपने अंश जो है वो वो तो मिनिमम सब्सक्रिप्स में उसमें छूट हो सकती है पहला अन्य व्यक्तियों के प्रन्यासी के रूप में रख सकता है दूसरा वह अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से योग्यता अंश रख सकता है परंतु अंतर नियमों के अनुसार यदि उसने अपनी योग्यता अंशों को व्यक्तिगत नाम में रखना आवश्यक है तो और आठवां यदि किसी व्यक्ति की संचालकता के कार्यकाल में कंपनी के अंतरनियमों में परिवर्तन करते योग्यता अंशों में वृद्धि करी गई है तो वो भी उसको लेने पड़ेंगे और नौमा यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय में अपनी योग्यता अंश बिना लिए संचालक की तरह कार्य करता है तो उसे पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना दिया सकता है और उपयुक्त व्यवस्थाएं ऐसी निजी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक नहीं है पर लागू नहीं होंगी तो ये सारे प्रोविजन जो हैं वो सहायक कंपनियों पे लागू नहीं होते अब डिस्कस करते हैं कि जो संचालक होते हैं डायरेक्टर होते हैं उनकी वैधानिक स्थिति क्या होगी लीगल पोजीशंस क्या होगी तो कंपनी के संचालक वास्तविक वैधानिक स्थिति का यथार्थ चित्रण करना अत्यंत कठिन है क्योंकि संचालकों को कभी एजेंट कभी ट्रस्टी कभी उसकी फिड्यूसरी रिलेशंस या कभी प्रबंध संचालक के नाम से जाना जाता है कि कभी वो कंपनी के एजेंट होते हैं कभी ये कंपनी के ट्रस्टी होते हैं कभी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं तो ये सारे नामों से उनको जाना जाता है परंतु इनमें से कोई भी अभिव्यक्ति उनकी संपूर्ण शक्तियाँ दायित्व को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं करती इनका प्रयोग केवल किसी एक समय अथवा किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है अतः संचालकों की विधिक स्थिति को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है पहला जो है संचालकों की स्थिति प्रतिनिधि के रूप में जो संचालक होते हैं वो शेयर होल्डर्स के या कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं इस तरह से जो है कंपनी एक कृतम व्यक्ति होने के कारण अपने व्यवसाय की स्वयं देखभाल नहीं कर सकती इसीलिए जो है ये कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं और कंपनी के प्रबंध की पूरी जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर पर होती है इस तरह से ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दूसरा संचालक अधिकारियों के रूप में डायरेक्टर एज अ ऑफिसर्स संचालक जो है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशेष मामलों के लिए अधिकारी समझा जाता है कि कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पे वो अधिकारी समझे जाते हैं और अधिनियम के कुछ प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता तो उन्हें दंडित किया जाता है इसीलिए जो है वो एक कंपनी के ऑफिसर्स भी हैं तीसरा बताया गया कि डायरेक्टर एज आ एम्प्लॉय कि संचालक जो है वो एम्प्लॉय भी होता है कंपनी का कि संचालक कंपनी के एजेंट अवश्य होते हैं किंतु वे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों तथा विशेष अधिकारों के हकदार नहीं होते लेकिन वहाँ पे जो है वो उनके बिहार में जो है कंपनी के बिहार में कोई कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो कंपनी के स्टैचूट ने या उनने ऑथराइज किया हो तो इस तरह से वो कंपनी के एम्प्लॉय भी होते हैं और उसके लिए जो है एक पारिश्रमिक जो है वो उनको दिया जाता है इसीलिए जो है वो कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं चौथा संचालक प्रबंध करने वाले साझेदार की तरह है? कि वो एक पार्टनर्स भी होते हैं कि संचालक प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं और इस प्रकार वे प्रबंध साझेदार की स्थिति में होते हैं क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेज करते हैं कंट्रोल करते हैं इसीलिए जो है वो एक पार्टनर की भूमिका भी निभाते हैं इसीलिए जो है वो संज... जो डायरेक्टर्स होते हैं वो पार्टनर्स भी होते हैं कंपनी के इसके अतिरिक्त संचालक अंश आवंटन करने मांग करने अनुसारण करने आदि जैसे स्वामित्वपूर्ण कार्य भी करते हैं जो कि उनके प्रबंध साझेदार होने का प्रमाण है कि कैसे सीएस जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे कैसे उसमें कांटेक्ट होंगे तो सारी चीज़ें जो है वो उनके ब्याप में करते हैं तो वो एक पार्टनर भी हैं पाँचवा डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी कि वैधानिक दृष्टि से ट्रस्टी नहीं होते क्योंकि प्रन्यासी अधिनियम के अनुसार टेस्टी वह व्यक्ति है जिसे स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है परंतु अन्य प्रकरणों में जो कंपनी की संपत्ति होती है उनका पूरा रखरखाव जो है वो करते हैं इसीलिए जो है ये कंपनी के ट्रस्टी भी होते हैं और उनके रख करना उनको किसी स्थिति में बेचना सेल आउट करना तो ये सारे जो है इसीलिए वो कंपनी की प्रॉपर्टी के ट्रस्टी भी होते हैं तो ये लीगल पोजीशंस के बारे में डिस्कस करा गया कि जो एक डायरेक्टर होता है उसकी क्या लीगल कंडीशन है या लीगल पोजीशन है अब संचालकों की नियुक्ति कैसे होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी भी समाले इनकोपरेटिव संस्था संघ या फर्म को कंपनी का संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता केवल व्यक्ति ही संचालक नियुक्त होंगे मीन्स केवल जो नेचुरल पर्सन्स हैं वो ही संचालक नियुक्त तो हो सकते हैं बाकी अन्य जो है कोई फॉर्म संस्था ये जो है उसका ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता रखता हो मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जो कांटेक्ट कर सकता हो तो वो डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है या डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है और जिसके पास में न्यूनतम शेयर हों न्यूनतम शेयर जो है वो रखता हो तो वो डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है या योग्य है नियुक्ति के नहीं है और कंपनी की संचालक नियुक्त उन ऐसे व्यक्तियों को कंपनी का संचालक नियुक्त किया जा सकता है अब इसके लिए कुछ शर्तें बताएंगे कि पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी तो ये प्रथम अपॉइंटमेंट का स्टेप है कि कंपनी के प्रथम संचालक फर्स्ट डायरेक्टर्स की नियुक्ति प्रोमोटर्स के द्वारा होती है ठीक है कि जो प्रोमोटर्स हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो कंपनी के संचालन के लिए अपॉइंट करते हैं तो उसको अपॉइंटमेंट बाय दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनके अकॉर्डिंग जो है वो उनको अपॉइंट किया जाता है दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाई दी कंपनी कि कंपनी के प्रथम संचालकों की कार अवधि की प्रथम साधारण सभा तक ही सीमित होती है और कंपनी की प्रथम सभा में ही संचालकों की नियुक्ति होती है जब तक अंतर में प्रत्येक साधारण सभा के सभी संचालकों से नियुक्ति की व्यवस्था ना हो किसी भी सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी जो कि सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी हो कुल संचालकों का दो बटे तीन भाग से अवकाश ग्रहण करने की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे कंपनी द्वारा संचालकों की नियुक्ति भी की जा सकती है कंपनी को यदि लगता है कि उसके निदेशक जो हैं वो कम हैं या उनको बढ़ाना है तो वहाँ पर कंपनी जो है ऐसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है अब साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति संबंधी मुख्य व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं पहला कि साधारण सभा जब की या जनरल मीटिंग जब बुलाई गई है उस जनरल मीटिंग में भी डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट जो है वो किए जा सकते हैं और अगली प्रत्येक वार्षिक सभा में संचालकों की कुल संख्या का दो बटे तीन का एक बटे तीन भाग संचालक की पारी से अवकाश ग्रहण करेंगे यदि रिटायर होने वाले संचालकों की संख्या पूर्ण रूप से तीन से विभाजित संख्या है तो इतनी ही संचालक उससे अवकाश ग्रहण करेंगे अब जो है फिर से इसमें डिस्कस किया है कि डायरेक्टर्स के जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे इनको अपॉइंट करेंगे उस जनरल मीटिंग में तो इससे संबंधित प्रावधान जो है इसमें बताए गए हैं निम्नलिखित परिस्थितियों में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर सकते हैं एक तो उन्होंने बोला कि जो कैजुअल वैकेंसी है कि सपोज कोई की डेथ हो गई रिटायर हो गया या कोई और कंडीशन है उस कंडीशन में कैजुअल वैकेंसी जो है कैजुअल डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं कि यदि संचालक का कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी कारण मृत्यु या ताकपद से उसका पद रिक्त होता है तो उसे अंतर नियमावली में दिए गए नियमानुसार संचालक मंडल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि जहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कोई मिसमैनेजमेंट किया है ऑपरेशंस किया है तो वहाँ पर जो है उनको हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नए डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कर सकती है तो ये इसमें मेंशन है तीसरा जो है अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टीज यदि अंतर नियमों में प्रावधान है तब संचालकों की कुल संख्या का एक बटे तीन भाग तक संचालक की की नियुक्ति कर सकती है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा भी वो डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं उस जनरल मीटिंग में अब संचालकों द्वारा पद परित्याग अथवा रिक्त करना विकेशन ऑफ ऑफिस उफ बाई द डायरेक्टर्स कि उनका जो ऑफिस है वो कैसे विकेट होगा या कैसे वो अपना ऑफिस जो है वो रिक्त करेंगे तो इसके बारे में कुछ प्रावधान जो है वो बताए गए हैं फर्स्ट जो है वैधानिक रूप से रिक्त होना कि कंपनी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में संचालक का स्थान रिक्त हो जाएगा फर्स्ट कि जो योग्यता अंश है पहली कंडीशन कि जब वो जो उनका ऑफिस है वो विकेट माना जाएगा रिक्त माना जाएगा पहला योग्यता अंश ना लेने पर कि जहां पे एक कंपनी ने योग्यता अंश निर्धारित करे हैं उन योग्यता अंश को ना लिया हो तब जो है वो, कम, वो उसका डायरेक्टर नहीं हो गया वो ऑफिस जो है वो विकेट माना जाएगा दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क घोषित होने पर कि यदि डायरेक्टर जो है वो अनसाउंड माइंड है तो उस कंडीशन में भी वो उसका ऑफिस जो है वो विकेट माना जाएगा विकेट करा सकते हैं तीसरा दिवालिया घोषित होने पर कि जहाँ पर डायरेक्टर्स को दिवालिया घोषित कर दिया गया है इस स्थिति में उस डायरेक्टर का जो ऑफिस है वो विकेट करा लिया जाएगा या ऑफिस जो है वो विकेट माना जाएगा या खाली माना जाएगा चौथा छः महीने का कारावास कि यदि कोई डायरेक्टर को कोई ऐसी को इम्प्रेजमेंट हो गई है सजा हो गई है तो वहाँ पे जो है और वो छः महीने से ज़्यादा की है तो वहाँ पे जो है उसका ऑफिस जो है वो विकेट माना जाएगा फिर वो एलिजिबल नहीं होगा इसके बाद पांचवा दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन करना कि जहाँ पे उसने कोई आवेदन किया है दिवालिया घोषित होने के लिए उस डायरेक्टर ने अपने आप को इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर करने के लिए वहाँ पे भी उस आवेदन से ये माना जाएगा कि वो उसका ऑफिस जो है वो बिकेट है छठवा योजनाओं का भुगतान ना करने की दशा में उसने कंपनी द्वारा की गई याचनाओं के भुगतान की अंतिम तिथि के छः माह के अंतर भुगतान नहीं किया है मतलब कोई ऐसे ड्यूज़ हैं जो कंपनी ने मांगे हैं उससे या उस पर देनदारी यहाँ वो जो उसको पे नहीं करता है तो वहाँ पे भी उसका ऑफिस जो है वो विकेट माना जाएगा तीसरा तीन लगातार सभाओं में अनुपस्थित रहने पर कि जितनी भी तीन लगातार कंजिकेटिव मीटिंग्स हुई हैं उनमें वो एब्सेंट रहता है तो वहाँ भी उसका ऑफिस जो है वो विकेट माना जाएगा नेक्स्ट जो है कंपनी से ऋण स्वीकार करने पर कि जहाँ पे कोई कंपनी से उसने ऋण स्वीकार किया है और उस ऋण को जो है उसने एक्सेप्ट किया है और उस ऋण को जो है वो पे नहीं किया है तो जो है वहाँ पे उसका ऑफिस जो है वो विकेट माना जाएगा नेक्स्ट जो है सरकार है या अपना जो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट यदि ऐसा कोई उसने कॉन्टेक्ट करा है या कोई ऐसा एक्ट करा है और उस एक्ट में कोई उसको प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट को उसने डिस्क्लोज नहीं कराया उस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज नहीं करा है वो तो वहाँ पे भी उसका ऑफिस जो है वो विकेट माना जाएगा नेक्स्ट पद से हटाए जाने पर कि उसको यदि पद से हटा दिया गया है तब भी जो है उसका ऑफिस जो है वो विकेट माना जाएगा और इस जो जनरल मीटिंग है उसमें अप्रूव कर दिया गया है तब भी जो है उसका ऑफिस जो है वो विकेट माना जाएगा नेक्स्ट आयोग होने पर यदि डिसक्वालिफिकेशन उसमें कोई आ जाती है या न्यायालय द्वारा या किसी और द्वारा उसको घोषित कर दी जाती है तब भी जो है उसका ऑफिस है वो विकेट माना जाएगा नेक्स्ट पद के समाप्त होने पर ऑन सीजिंग ऑफ दी होल ऑफिस कि जहाँ पे जो जिस पद के लिए डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था वो उस पद को सीज कर लिया गया है तब भी जो है ऐसा माना जाए कि उसका ऑफिस जो है वो विकेट हो गया है तो ये जो है विकेशन्स अब डायरेक्टर्स को कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में भी कंपनी अधिनियम में प्रावधान दिए गए हैं अब निम्नलिखित पक्षों द्वारा संचालकों को हटाया जा सकता है फर्स्ट अंशधारियों द्वारा हटाया जाना रिमूवल बाय दी शेयर होल्डर्स कि कंपनी किसी भी संचालक को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटा सकती है मीन्स कि जहाँ पे उसका टर्म पूरा नहीं हुआ है तब भी जो है यदि उसको लगता है कि उन्होंने कोई ऐसी रेगुलरिटी की है या कोई और इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं किए हैं या कोई ऐसे और चूक की है तो वहाँ पे जो है उसको शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग बुला के उस डायरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए कह सकते हैं दूसरा जो है केंद्रीय सरकार द्वारा हटाया जाना कि केंद्रीय सरकार को यदि लगता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनने मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशंस करा है या कुप्रबंधन करा है कंपनी का तो वहां पे जो है यदि उसकी राय है तो केंद्रीय सरकार है वो उन डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है हटा सकती है तीसरा है न्यायालय या जो प्राधिकरण बना हुआ है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स उसके द्वारा भी उनको रिमूव किया जा सकता है कि जब अन्याय या कुप्रबंधन के निर्माण के लिए न्यायालय में आवेदन पत्र दाखिल किया गया है और संचालकों को उसके पद से हटाने का आदेश दिया गया है तो वहाँ पे भी जो है न्यायालय को ये अधिकार है कि वो ऐसे डायरेक्टर्स को जो है वो उसके पद से हटा सकती है अब जो है संचालकों द्वारा पत्र अब रेजग्नेशन कैसे देंगे ये संचालक इसके बारे में कुछ प्रावधान जो है इसमें बताए गए हैं तो यहाँ पे जब संचालक को कोई अपना रिजग्नेशन देना है या उसके लिए तो वहाँ पे जो है एक नोटिस जो है वो बोर्ड को या कंपनी को देगा कि हम जो है इस पद पे आगे जो है वो रहना नहीं चाहते और एक रीज़नेबल नोटिस जो है वो कंपनी को देगा अब जब कंपनी जो है उसको स्वीकार करती है या नहीं करती ये कंपनी पर डिपेंड करता है लेकिन वहाँ से नोटिस से ये माना जाएगा कि उसने अपना पत्र जो है वो स्वीकार कर लिया और एक बार त्यागपत्र देने के पश्चात उसे कंपनी की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता और एक कंपनी के नियमों में व्यवस्था है कि संचालक लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र देगा या देता है तो उसका स्थान स्वतः ही रिक्त माना जाएगा ये इससे संबंधित रिजग्नेशन से संबंधित प्रावधान हुए अब कंपनी के साथ संचालकों का अनुबंध कि वो अनुबंध कैसे कर सकते हैं संचालक कंपनी से कि संचालक मंडल की पूर्व सहमति के बिना कंपनी का संचालक या उसका संबंधी या उस ऐसी साझेदारी संस्था जिसमें कोई संचालक उसका संबंधी साझेदार है या एक निजी कंपनी जिसमें ऐसा संचालक सदस्य या संचालक है कंपनी के साथ माल खरीदने बेचने या पूर्ति करने या अंशों का ऋण पत्तों के अभी ओपन करने का अनुबंध नहीं कर सकता मीन्स के ऐसा कोई कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डायरेक्टर कर सकता है लेकिन जो यदि जिससे कर रहा है तो वो उसका कोई संबंधी है या जो फॉर्म है उसमें कोई उसका संबंधी या कोई उसमें और इंटरेस्ट है उसका तो वहाँ पे वो मनाही करेगी कि ऐसा व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता बाकी ये जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के साथ में जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और संचालन द्वारा इसके लिए जो है एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करना होगा तभी जो है इसको कॉन्टेक्ट को स्वीकार किया जाएगा लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार तथा संचालन मंडल की अनुमति की आवश्यकता नहीं है वो वहाँ पे भी जो है वो इसमें कि अनुबंध का संबंध प्रचलित बाजार मूल्य पर वस्तु के नगद क्रवे कैसे हो कि जहाँ पे उसका कैश उसके लिए हो तो वहाँ पे जो है वो उसकी अनुमति केंद्र सरकार की जरूरी नहीं है दूसरा जब माल या सेवा का मूल्य किसी भी कैलेंडर वर्ष की अवधि में पाँच से ना हो तो वहां पर भी उसकी रिटर्न अप्रूवल जो है केंद्र सरकार की आवश्यक नहीं है तीसरा है कि जब लेन देन व्यापार के सामान्य मूल में किसी बैंकिंग या बीमा कंपनी द्वारा किया गया हो तो वहां पर भी उसकी रिटर्न अप्रूवल जो है वो जरूरी नहीं है तो ये कुछ परिस्थितियां बताइए अब इसके बाद बताया कि संचालकों के क्या अधिकार होंगे मीन्स राइट्स क्या होंगे संचालकों के तो संचालक मंडल का उन सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं कि संचालक मंडल जो है वो सारे अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं उन सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो कंपनी का स्टैचूट है उसने उसको अथोराइज़ किया हो मीन्स के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या मेमोरडा ऑफ एसोसिएशन है उसमें उसको अथोराइज किया गया हो उनके अनुसार जो पावर्स उनको दिए गए तो वो सारे जो है वो कार्य कर सकता है और उनको ये अधिकार जो है वो प्रोवाइड किए हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने जो अधिकार उनको प्रोवाइड किए हैं अब सामान्य अधिकारों में निम्न अधिकार जो हैं वो सम्मिलित हैं पहला अधिकार है कंपनी की पुस्तकों एवं प्रपत्तों का निरीक्षण करना सबसे पहला जो है वो डायरेक्टर्स का राइट है कि वो जो कंपनी के लेखा हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है ये उसका अधिकार है कि वो उनके लेकर जो के को देख सकता है उन पर एक्शन ले सकता है तो ये सारे जो है उनको राइट जो है वो प्रोवाइड दूसरा कंपनी की सभाओं को नोटिस देना या कंपनी की सभाएं बुलाने का अधिकार दूसरा अधिकार है कि जब भी कोई सभा बुलानी है या एनुअल जनरल मीटिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है या कोई अदर मीटिंग है तो वो जो है उसको बुलाने का अधिकार जो है वो होगा ये भी उसको अधिकार दिया गया है तीसरा है कंपनी के अधिकारियों और अफसर पर नियंत्रण रखना या रखने का अधिकार कि जो कंपनी के अफसर हैं या अन्य कर्मचारी हैं तो वहाँ पे जो है इनको कंट्रोल करने का अधिकार जो है वो डायरेक्टर्स को होगा नेक्स्ट है संचालन मंडल की सभाओं में भाग लेने का अधिकार कि जो संचालन मंडल की या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उन मीटिंगों में भाग लेने का अधिकार जो है एक डायरेक्टर्स को होगा जो इसमें स्पेसिफाइड है पांचवा सभा में प्रस्तुत किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार कि जब कोई मीटिंग हो रही तो वहाँ पे जो है वो अपने व्यू जो है वो एक्सप्रेस करने का उनका अधिकार है वो कुछ भी उसमें प्रस्ताव रख सकते हैं बोल सकते हैं तो ये सारे अधिकार जो है वो उसमें प्रोवाइड किए हुए नेक्स्ट अपना पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार कि यदि कोई ऐसे डायरेक्टर्स ने कोई ऐसे कार्य किए हैं एक्सपेंसेस किए हैं जो वैलिड हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए किए हैं तो वहाँ पर जो है वो उसके लिए रेमोनेरेशन जो है वो क्लेम कर सकता है कोई ऐसे कांटेक्ट करें या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें जो कंपनी के बेनिफिट के लिए है, तो वहाँ पर जो है वो रेमोनेरेशन जो है वो ले सकता है नेक्स्ट है सभा में उपस्थित किसी भी विषय के निर्णय के विरोध में अपनी विमत टिप्पणियाँ डिसेंटिंग नोट जो है वो लिखना ठीक है तो कि अपनी जो टिप्पणियाँ कमेंट जो हैं वो सभाओं में देने का अधिकार जो है वो डायरेक्टर्स को होता है नेक्स्ट जो है कि जिन समितियों में उन्हें नियुक्त किया जाता है उन्हें उपस्थित होना या अपने अधिकारों का प्रयोग करना कि जो अदर्स जो समी कमेटियाँ बनी हुई हैं कंपनी की या मीटिंग हुई तो उनमें भी उपस्थित होने का और अपने व्यू रखने का और अपने अधिकारों का उपयोग करना भी इसके अधिकार में सम्मिलित होते तो इस तरह से कुछ अधिकार जो है एक डायरेक्टर्स को प्रोवाइड किए हुए हैं तो ये तो हो गए कुछ जनरल जो अधिकार हैं अब कुछ स्पेसिफिक पावर्स जो हैं वो दिए हुए हैं डायरेक्टर्स को कि निम्नलिखित अधिकार संचालक मंडल द्वारा अपनी सभा में प्रस्ताव पारित करके ही प्रयोग किए जा सकते हैं कि जो स्पेसिफिक पावर्स किए हुए हैं तो उसके लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो मीटिंग में उनको राइट्स प्रोवाइड किए हुए हैं डायरेक्टर को तो वो उनके द्वारा ही उपयोग किए जा है सकते हैं पहला अंशों पर मांगे करना टू मेक कॉल्स या जो अंश हैं उनको बुलाना तो यदि कोई अंश उनको बुलाना है या इशू करना है तो उसके लिए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक मीटिंग करेंगे तभी जो है वो उसको इशू करेंगे दूसरा ऋण पत्रों की निर्मनी पर कि जब कोई डिबेंचर इशू करने हैं तो तब भी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्पेशल परमिशन से वो डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करे जाएंगे तीसरा ऋण पत्रों के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में ऋण लेना कि जहाँ पे कोई ऐसी बोरोइंग करनी है या लोन लेना है कंपनी को तो वहाँ पे जो है वो स्पेशल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनकी स्पेशल मीटिंग से ही वो मनी जो है वो बोरो कर सकता है चौथा जो है कंपनी के धन का विनियोग करना कि जो कंपनी का फंड है उस फंड को कैसे इन्वेस्ट करना है तो ये भी जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगी उस पर स्पेशल रेजोल्यूशन से या उसके अथोराइजेशन से ही वो फंड को इन्वेस्ट कर सकता है पांचवा टू गिव लोन्स कि जब किसी व्यक्ति को या पर्सनस को लोन देना हो तो वहाँ पे भी डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसकी मीटिंग से वो अपने राइट जो है वो एक्सरसाइज करते तो ये कुछ स्पेसिफिक पावर्स दिए गए हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बिना पॉसिबल नहीं है थर्ड जो है कंपनी की सहमति से प्रयोग किए जाने वाले अधिकार या एक्सरसाइजेबल राइट्स ठीक है तो वो उनकी सहमति कंपनी की या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी सहमति लेना आवश्यक नहीं कि एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में जो संचालक मंडल होता है निम्नलिखित कार्यों को व्यापक सभा में कंपनी की सहमति के बिना कर सकता है मीन्स एक डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के कंसेंट के बिना ये निम्न चीज़ें कर सकता है फर्स्ट कि कंपनी का कारोबार पूर्णता बेचना या किराए पर देना अथवा किसी अन्य रूप में इसकी व्यवस्था करना ठीक है किसी भी कारोबार को बेचना या उसको किराए पर देना बिजनेस को तो वो जो है वो उसकी सहमति के बिना दूसरा किसी संचालक से प्राप्त ऋण को समाप्त करना अथवा तो भुगतान के लिए अधिक समय देना कि मतलब किसी ऋण को समाप्त करना है या भुगतान करना है या भुगतान कर दिया गया है ऋण का तो वहाँ पे जो है उसकी कंपनी की सहमति लेना आवश्यक नहीं है थर्ड इस अधिनियम में कि लागू होने के पश्चात कंपनी किसी भी संपत्ति को अनिवार्य से लिए जाने के संबंध में प्राप्त क्षतिपूर्ति के धन को ट्रस्ट प्रतिभूतियों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से विनियोग करना मतलब कंपनी का जो फंड है वो यदि इन्वेस्ट करा है तो वहाँ पर भी कंसेंट जरूरी नहीं है वैलिड रूप से उसके इंटरेस्ट के लिए चौथा कंपनी की प्रदत्त पूंजी तथा सामान्य कोषों के कुल योग से अधिक ऋण लेना मतलब जो उसकी टोटल फंड है उससे उसके टोटल तक जो है वो लोन ले सकता है उससे ज़्यादा जाएगा तो फिर वो जो है उसकी स्पेशल रेजोल्यूशंस जो है वो लेनी पड़ेगी और किसी वर्ष में पच्चीस हज़ार या पच्चीस लाख रुपए तथा शुद्ध लाभ से पाँच अधिक का दान जो है वो दे सकता है तो ये जो है वो कोई ऐसा दान उसको देना है तो ये भी उसमें राइट जो है वो प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर सहमति जो है वो उसकी लेना नेसेसरी नहीं है तो इस तरह से ये कुछ राइट्स जो हैं इसको बताए गए हैं या पावर्स जो हैं वो बताए गए हैं एक डायरेक्टर्स को अब जो है कुछ स्टैचूटरी ड्यूटीज बताई गई हैं या वैधानिक कर्तव्य बताए गए हैं एक डायरेक्टर्स के अब वैधानिक कर्तव्य जो है किसी डायरेक्टर्स के निम्नलिखित उस पर विभाजित किए जा है सकते हैं फर्स्ट जो है विवरण की जाँच करना टू इंस्पेक्ट द प्रोस्पेक्टर्स ये प्रत्येक डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि जो विवरण है उसको वो इंस्पेक्ट करे तभी जो है वो उसको इशू करेगा ये उसकी स्टैचूटरी ड्यूटी है कि विदाउट इंस्पेक्शन जो है कोई प्रोस्पेक्ट जो है वो इशू नहीं किया जाएगा यदि इशू करता है और कोई उसमें मिस स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसके लिए वो डायरेक्टर्स जो है वो जिम्मेदार होंगे कि विवरण में दिए गए सारे स्टेटमेंट चाहिए हैं तो ये चेक करने की उसकी एक ड्यूटी है दूसरा विवरण पर हस्ताक्षर करना टू साइन दी प्रोस्पेक्टस तो ये भी उसकी एक स्टैचुट्री ड्यूटी है कि जब प्रोस्पेक्टस इशू करा गया है तो वहाँ पे जो है उसकी स्टैचुटरी ड्यूटी है कि वो उस प्रोस्पेक्टस में साइन करेगा और उसके दिए गए नाम के अनुसार के उधर साइन करेगा और ये उसको स्टैचुटरी ड्यूटी है और तीसरा हस्ताक्षर युक्त वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना टू प्रजेंट दी साइन एनुअल स्टेटमेंट कि जो भी एनुअल स्टेटमेंट है कंपनी के वो उसको प्रस्तुत करेगा ये उसकी स्टेचुअटरी ड्यूटी है और उसका प्रॉपर जो है वो ऑडिट और अकाउंटिंग जो है वो भी करवाएगा नेक्स्ट जो है अंश आवेदन राशि बैंक में जमा करना टू डिपॉजिट दी एप्लीकेशन मनी इन बैंक की जो एप्लीकेशन मनी है वो भी बैंक में डिपॉजिट करने की उसकी स्टैचुट्री जिम्मेदारी है कि जो संचालक मंडल है उसका यह कर्तव्य है कि अंश आवेदन राशि को एक अनुसूचित बैंक में तब तक जमा रखे जब तक कि न्यूनतम अंशदान की, की राशि प्राप्त ना हो जाए ठीक है जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो उसकी राशि प्राप्त नहीं हो जाए तो ये भी उसकी स्टैचुटरी ड्यूटी है नेक्स्ट जो है वैधानिक सभा एवं वैधानिक रिपोर्ट तैयार करना कि जो स्टैचुटरी मीटिंग है वो बुलाने का इसकी स्टैचुट्री ड्यूटी है कि कम से कम साल में एक मीटिंग जो है वो बुलाएगा ही और इनसे संबंधित जो उसकी वैधानिक रिपोर्ट है या जो लीगल रिपोर्ट है वो उससे संबंधित वो उसकी रिपोर्ट करेगा रजिस्ट्रार को और ये पूरी रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को भेजेगा इन एवरी ईयर ये उसकी स्टैचरी ड्यूटी है नेक्स्ट जो है साधारण सभा बुलाना ये भी उसकी स्टैचुट्री मीटिंग है कि एक जनरल मीटिंग जो है वो ये बुलाएगा अब निर्धारित संख्या में सदस्य संख्या द्वारा मांग करने पर संचालक मंडल का यह कर्तव्य है कि वो कंपनी की एक साधारण सभा जो है वो बुलाएगा तो ये इसमें और साधारण सभा बुलाना एक्स्ट्रा कन्वीनिंग दी जनरल मीटिंग तो जनरल मीटिंग जो है वो भी वो प्रत्येक कंपनी को प्रति वर्ष एक सभा बुलाना आवश्यक है इस संबंध में संचालकों का कर्तव्य है कि वो सभा से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करें तथा सभा बुलाएं इसके बाद लाभांश की घोषणा का भुगतान डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ द डिविडेंड कि संचालकों का यह कर्तव्य है कि वो लाभांश की घोषणा करें कि यदि उनको कोई ऐसे प्रॉफिट हुए हैं या उसके अंशधारियों को भुगतान करने की व्यवस्था करें कोई ऐसे डिबिडेंट उसको मिले हैं तो उनका जो है वो डिक्लेरेशन करेगा यदि कोई ऐसे पेमेंट करें हैं तो उनका भी वो डिक्लेरेशन करेगा ये नहीं कि वो जितना भी प्रॉफिट हुआ और वो उस डायरेक्टर ने रख लिया ये उसकी स्टैचू ड्यूटी है कि वो यदि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो वो डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करे नेक्स्ट जो है डिक्लेरेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस व्यवसाय प्रमाण पत्र के लिए लागू होना कि संचालकों का यह कर्तव्य है कि व्यापार प्रारंभ होने से पूर्व अंशों पर दे आवेदन तथा आवंटन राशि का भुगतान करे तथा कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र करने के लिए रजिस्ट्रार को एक ऐसा घोषणा पत्र प्रस्तुत करे कि व्यापार संबंधी समस्त वैधानिक आवश्यकताएँ पूरी कर ली गई तो ये भी उसको डिक्लेरेशन जो है वो देने का उसकी लाइब्रेटिस है कि वो रजिस्ट्रार के समक्ष जो है वो एक डिक्लेरेशन जो है वो प्रस्तुत करे इसके बाद जो है वार्षिक लेखे जो हैं वो वो भी प्रस्तुत करेगा तो जितने भी वार्षिक लेखे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या वो हैं तो उनका जो है प्रॉपर इंस्पेक्शंस और सारी चीज़ें जो है वो एक करवाएगा और एक प्रति जो है वो रजिस्ट्रार को भी सबमिट करेगा अब रजिस्ट्रार के पास प्रतिलिबियाँ कि संचालकों का यह कर्तव्य है कि वार्षिक रिटर्न के साथ साथ जितने भी लॉस या प्रॉफिट अकाउंट हैं उनकी प्रतिलिपि जो है वो रजिस्ट्रार को सब्मिट करेगा कि यदि कंपनी को एनुअल उसमें कोई लॉसेस हुए हैं या प्रॉफिट हुए हैं तो जो है वो उसको सबमिट करेगा रजिस्ट्रार को तो ये जो है इसके कुछ कर्तव्य जो है गए इसके बाद जो है निरीक्षण के समय प्रपत्ों को प्रस्तुत करना कि जब कोई ऐसा इंस्पेक्शन होना है तो उस समय जो है यह संचालकों का कर्तव्य है कि कंपनी की विभिन्न पुस्तकों एवं प्रपत्रों को सुरक्षित रखे तथा निरीक्षण के समय उन पुस्तकों एवं प्रपत्रों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ठीक है तो ये पूरा जो है निरीक्षण के समय प्रपत्र जो है वो पुस्तक कब जब इंस्पेक्शन होना है कंपनी का तो वहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट या जो दस्तावेज हैं वो सारे जो है वो प्रिपेयर करें ये भी उसकी स्टैचूट्री ड्यूटी है नेक्स्ट जो है योग्यता अंश लेना

कंपनी के संचालकों को कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी करनी होगी तो ये भी उसकी स्टैचुटरी ड्यूटी है कि वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जो है वो करे संचालकों के कुछ सामान्य कर्तव्य भी इसमें बताए गए हैं सामान्य कर्तव्य में उन्हें कंपनी के सामान्य लाभ हेतु जो सद्भाव से काम करना चाहिए और कोई स्वयं के लिए गुप्त लाभ या फिडिशरी रिलेशंस जो है वो नहीं कर सकता मतलब डायरेक्टर जो है वो एक फिडिशरी रिलेशन मेंशन करता है तो वो उनका ब्रीच जो है वो नहीं होना चाहिए ये भी उसकी ड्यूटी है ये कंपनी के प्रति उसका लाइबिटीज है दूसरा उन्हें अपने कर्तव्य निष्पादित करते समय सीमा से अधिक चतुरता दिखाने की जरूरत नहीं होती जिनकी कि उसकी समान बुद्धि अनुमाव वाली व्यक्ति को अच्छे से समझे तो ये जो है कुछ उसके सामान्य ड्यूटीज़ जो है वो बताएंगे ये जो कंपनी के प्रति दी गई हैं कि कोई ऐसी वो करता है उसके प्रति तो वो उसके व्यक्तिगत अब संचालकों के कुछ दायित्व जो है वो निर्धारित किए गए हैं कि एक निदेशक के क्या दायित्व होते हैं कंपनी के प्रोस्पेक्टस में गलत बयानी कि यदि कोई डायरेक्टर ने जो कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करा है और उसमें कोई चूक करी या मे से स्टेटमेंट करे हैं तो वहां पे जो है वो डायरेक्टर उसके लिए व्यक्तिगत रूप से डायल होगा और सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है उसके अगेंस्ट में जारी की हो सकती है शुरू कर सकता है जिसको उससे लॉब हुए हैं उस गलत बयानी से दूसरा कंपनी का कर्ज कि आमतौर पर एक निदेशक किसी कंपनी के किसी भी ऋण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता जब तक कि निदेशक की ओर से कोई धोखाधड़ी की पुष्टि ना हो जाए तो यदि कोई कंपनी का कर्ज है और यदि उसने लोन लिया है तो उसकी लाइबिलिटी से कि वो उस लोन को पूरा जो है वो चुकाए नहीं तो जो उसके पर्सनल असेट्स हैं उससे भी उसका लोन जो है वो चुकाया जा सकता है तीसरा कपटपूर्ण व्यवसायिक आचरण कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है वो करता है यदि निर्देशक तो वहाँ भी वो लाइबल होगा कि, कि किसी निदेशक को किसी कंपनी के ऋणों या अन्य देनदारियों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि वह व्यवसाय चलाते समय जानबूझकर कोई ऐसी धोखाधड़ी करता है या मिसरीप्रजेंटेशन करता है तो वहाँ पे वो व्यक्तिगत रूप से उसके लिए उत्तरदायी होगा नेक्स्ट जो है शेयर आवेदन धन की वापसी कि किसी कंपनी के निदेशक शेयर आवेदन की राशि या प्राप्त अधिवेश शेयर आवेदन की राशि को चुकाने के लिए कंपनी के साथ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगी कि जहाँ पे कोई ऐसी आवेदन के लिए राशि जो है वो दी गई है और वहाँ पे जो है उसको वापस करने में वो आनाकानी करता है डायरेक्टर्स तो वहाँ पर जो है ये माना जाएगा कि उस वो व्यक्तिगत रूप से उसके लिए दायी होगा नेक्स्ट जो है योग्यता शेयर शेयरों के भुगतान का दायित्व यदि निदेशक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने योग्यता अंश जो है वो उसको अधिग्रहण नहीं किया है या नहीं लिया है तो वहाँ पे भी उसकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी होगी और वो उसके लिए लाइबल होगा नेक्स्ट जो है रेमोनेशन क्या दिया जाएगा डायरेक्टर्स को कि संचालक कंपनी के अधिकारी व एजेंट होते हैं वे अंशधारियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तथा कंपनी द्वारा कर्मचारियों के रूप में नियुक्त नहीं किए जाते तद अनुसार वे कंपनी के कर्मचारी सेवक नौकर नहीं होते और उन्हें तब परिश्रमिक प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक उनके परिश्रमिक के संदर्भ में अंतर नियम में कोई विशेष व्यवस्था ना की गई हो अंशधारियों द्वारा इस संबंध में व्यवस्था होती है और उनके लिए जो है एक निश्चित मानदेय जो है वो दिया जाता है मीन्स कोई उसने ऐसे कोई खर्चे किए हैं कोई कॉन्टेक्ट किए हैं या कोई और ऐसी चीज करी है तो उसके लिए जो है एक रेमोनरेशन जो है वो कंपनी उसके लिए देती है अब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है इसके बारे में इसमें बताया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसा व्यक्ति है जो पूरे डायरेक्टर कंपनी को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है उसको अपन मैनेजिंग डायरेक्टर्स करते हैं और इसको जो है वो पावर्स जो आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन से है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अनुसार जो है वो दी जाती है जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं मीस कि जो पूरी कंपनी को या जो डायरेक्टर्स हैं मैनेजर्स हैं उनको मैनेज करें वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होगा तो ये इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर्स से संबंधित प्रावधान दिए हुए अब इस पद पर आसीन केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है ये उसका पूरा कंपनी का हेड होता है क्योंकि फर्म या समालीज संस्था को प्रबंध संचालक के रूप में नक्त नहीं नियुक्त किया जाता क्योंकि प्रबंध संचालक बनाने के लिए संचालक होना अनिवार्य है और उन्हीं संचालकों में से एक प्रबंध संचालक जो है वो नियुक्त किया जा सकता है और प्रबंध संचालक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति या अनुमोदन नियुक्ति से पूर्व अथवा नियुक्ति के बाद अधिकतम तीन मास के अंदर केंद्रीय सरकार द्वारा होना चाहिए और केंद्रीय सरकार द्वारा भी वो डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट किया जाते हैं और एक बार में पाँच वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं कर सकती कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर अब इनकी अयोग्यताएँ क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर्स की कि जो प्रबंध संचालक की निम्नलिखित अयोग्यताएँ बताई हैं है कि जो व्यक्ति अमुक्त दिवालिया हो मीन्स जो इंसालमेंट हो या अनसाउंड माइंड हो जो व्यक्ति अपने निर्धारकों के भुगतान को रोक लेता है या स्थगित कर देता है तो वो और जो न्यायालय या ट्रिब्यूनल्स द्वारा किसी नैतिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तो वो व्यक्ति जो है वो वो होगा अब यहाँ पे जो है कुछ प्रावधान बताया जैसे वो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में मीन्स फुल टाइम डायरेक्टर्स यहाँ पे जो है जैसे अल्टरनेटिव बताया वो कुछ होल टाइम्स डायरेक्टर्स जो हैं वो इस कंपनी में होते हैं जो पूर्ण रूप से जो है उसके डायरेक्टर का कार्यकाल करते हैं और ये फुल टाइम डायरेक्टर ही कंपनी को कंट्रोल और मैनेज करते हैं इसके बाद इनको कुछ रेमोनेरेशन जो है वो भी प्राप्त होता है जैसे जो फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं उनके लिए कमीशन मासिक भुगतान के रूप में अथवा दोनों प्रकार से दिया जाता है और कंपनी केवल एक ही पूर्णकालिक संचालक होने पर शुद्ध लाभ का पाँच परसेंट जो है इसको जो होल टाइम डायरेक्टर होता है उनको देती है अब कुछ केस जो हैं वो इसमें बताया गया कि एक मामला था परसीबल वर्सिस राइट उन्नीस का इस मामले में एक लिमिटेड कंपनी में शेयर की बिक्री को चुनौती देना शामिल था और इसमें यह तर्क दिया गया था कि खरीदार जो निर्देशक भी थे को कंपनी के कारोबार के बेचने में चल रही बातचीत के बारे में मौजूदा जो शेयर होल्डर्स थे उनको नहीं बताया गया था अब इसके बेसिस पे जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने एक केस जो है वो दायर किया कि ये जो नेगोसिएशन है वो उसमें हमें नहीं बताया गया है तो इसमें जो है कोर्ट ने यही डिसाइड किया कि इस ऐसी कोई नेगोसिएशन जो है वो उसको शेयर होल्डर्स को नहीं बताई जाएगी ये उसकी फड्यूशरी ड्यूटी नहीं है जबकि एक उन्होंने बताया कि फड्यूशरी जो ड्यूटीज होती है वो कंपनी के प्रति होती है वहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ को कंसील नहीं किया गया था शेयर होल्डर्स के प्रति उनकी कोई ऐसी डायरेक्टर्स की फिड्यशियरी ड्यूटीज़ नहीं होती है तो ये इस पूरे केस में डिसाइड किया गया नेक्स्ट है रीगल होस्टिंग लिमिटेड वर्सेज गुलीबर इसमें क्या था कि एक रीगल हॉस्टिंग लिमिटेड कंपनी के पास में एक सिनेमा घर था उस सिनेमा सिनेमाघर्स को जो है उसने कंपनी ने लीज़ पे लिया हुआ था अब जैसी लीज़ पे लिया हुआ था तो वो लीज़ जो है वो उसने किसी अनदर उसको वो कर दी और वहाँ पे जो है उसको एक सीक्रेट प्रॉफिट जो है वो हुआ था तो इसके बेसिस पे कोर्ट ने ये माना कि जहाँ पे कोई ऐसा सीक्रेट प्रॉफिट हुआ है किसी डायरेक्टर्स को या प्रोमोटर्स को तो वहाँ पे जो है वो उसको लौटाना पड़ेगा तो ये जो है इस पूरे केस में डिसाइड किया गया था अब इस तरह से अगले व्याख्यान में हम कंपनी की सभाएं या मीटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे सभा के प्रकारकों के बारे में डिस्कस करेंगे वैधानिक सभा को बुलाए ना जाने का क्या परिणाम होगा वार्षिक सभा क्या होगी और साधारण सभा क्या होगी प्रस्ताव संकल्प और क्या कोरम होगा मीटिंग का वो और उससे संबंधित प्रावधान और उससे संबंधित केसों के बारे में डिस्कस करेंगे धन्यवाद Hello, I'm Shikha Dixit. I teach psychology and I work with the Department of Humanities and Social Sciences at IIT Kanpur. Today I'll talk about what is causal attribution, or how do people understand causes of behavior. Causal attribution is one of the major topics in social cognition, in psychology. And this refers to the fact. That people attribute causes to their own behavior as well as to behaviors of others. So, understanding the antecedent conditions of behaviors and events is one of the major topics in social cognition. Causal attribution is about finding explanations, and these explanations serve a functional purpose since they are useful in uh, the purpose of planning of behavior and regulation of responses. As far as uh, attribution of causes is concerned, generally people either do internal attribution or external attribution. Internal attribution, when causes are understood in terms of internal characteristics of people, and uh, external attribution, when causes are understood in terms of contextual and situational features the main perspective that is employed in the understanding of causal attribution is the naive scientist perspective and this has emerged from the research on attribution itself and it views attribution process as a detailed and systematic causal search and this is the dominant view about understanding attribution in social cognition however in recent time this is not the only view there are alternative views also which try to understand how people make quick judgments about uh, causality so now the question is that why is it that people make causal attributions uh, this, the answer to this question can be provided in terms of need for prediction and control People need to predict their environment, and hence it is important for them to understand antecedent conditions of any behavior or any event. Also, causal analysis is related to various other processes other than attribution. It also becomes the basis of regulation of responses. People also develop causal theories based on their experience, and they employ these theories in different domains. As far as attribution theory is concerned it consists of mainly three theoretical formulations one is the heider's theory of naive psychology the other one is jones and davis's correspondent inference theory and the third one is kelly's covariation model and causal schemas there are other areas of psychology also from where some principles have been picked up and extended to understanding of causality these areas are emotions, self perception, as well as personality. Psychologists have also tried to understand attribution in specific domain areas. Psychologists have tried to outline the different dimensions that people use to understand causality in domains such as achievement domain, that is, understanding causality regarding achievement related behavior. Such as success and failure, depression, helping behavior, as well as close relationships.